नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों, आज हूँ मैं गांव ढिंडाली जिला शामली में चौधरी जगपाल सिंह के खेत पर, जो गन्ने की बुआई कर रहे हैं। ये देखो, फोड़ पाड़ रहे, बीज की जानकारी लेंगे कौन सा बीज बो रहे और क्या क्या डाल रहे हैं इसमें। ये देखो, सुबह ही लग गए बखती आके। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। अपना गांव नाम थोड़ा परिचय दो। गांव ढिंडाली जी। नाम बिरजपाल जी। आज गन्ने की बुआई चल रही है? हाँ जी। अच्छा, तुम कंची काट रहे? हाँ। हिम्मत मार रहे? हाँ। कौन सा बीज है जी? वो 38। अच्छा, 38 बोरे ज्यादातर। हाँ जी। अच्छा, ये देखो भाइयों, अपना उम्र भी चाहे कुछ ही हो। 75 साल में जी। है जी? 75 साल। अच्छा, 75 साल में पहुंच गए। हाँ जी। किसान जो है अपना काम नहीं छोड़ रहे। उम्र चाहे कुछ भी हो। हाँ, उम्र चाहे कुछ भी हो। क्या बात, अब तो आराम कर लेते घर? ना ना, आराम कहाँ करना, एक बोला। अच्छा। हाँ। अरे जी करे काम करने को पूरा। डाला। अच्छा, पुराना देसी घी खा रखा। हाँ, हिम्मत कर रहे तुम तो कत ही। होली होली तो है आज। होली जो है एक बो का मनाओगे? बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, आज एक बुआई का काम चल रहा है बाबा खती? हाँ जी। भाग भूख बाद में ही मनागा? हाँ। अच्छा, थारी ड्यूटी खूट पाड़न की? हाँ। अच्छा, ये ट्रैक्टर है जी, फार्म ट्रैक। ट्रैक्टर फार्म ट्रैक 45। देखो ये आधे खूट पाड़ दिए, अरे बच्चे बोन लग रहे। अच्छा, चौधरी इकबाल सिंह का काम है खोड़ पाड़न का, ट्रैक्टर के शौकीन है ये, पुराने ड्राइवर हैं। हाँ जी। ये देखो, एक साल पुराना ट्रैक्टर है इनका ये। अच्छा, बुआई बुआई शादी कर रहे भाई हैं? स्टार्ट। ये देखो जी, चौधरी साहब खूट पाड़ रहे हैं बस सिलों पे बिल्कुल। मारे जी मैं तो सब का ही 30 इंची पे है बुआई का प्रोग्राम सारा। ट्रंच में कोई कोई है छिद्दा छड़ा। हाँ भाई आकाश। फार्म ट्रैक 45।
तुम तो तीना की बहुत हो गए भाई से सारे को। खेत मावा क्या तू ताली लेके आई है टुवेल की जगपाल लेके जाता मैं तेन थोड़ा करता ताली ले गए। देखो जी ये है अच्छा इंदर सिंह हाजी एक वो आ रहे हैं और तारा बीज पट्टा लग रहा है वहाँ तारा पट्टा लग रहा है मैं पहले सब होगा फिर उसे बोगा। अच्छा पहले ये कंप्लीट करोगे ये 38 बोगे फिर हम 18 बोगे। अच्छा इस साल कौन सा बीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं कौन सा ठीक बो रहा है मतलब लोगों की पसंद है कोई 18 बो रहा कोई 31.02 बो रहा। अच्छा कोई 23 बो 23 को तो कमी बो रहे। अच्छा और अपना 38 तो है 38 तो है 18 भी बहुत बो रहे इस साल। हाँ 18 बो रहे चलो जी देखो जी अच्छा कंची जो है कंची कितने आंख की काट रहे दो या तीन कम से कम दो बड़ी नहीं कटवा होती फिर पट जाने देखो साथ साथ छोड़ पाड़ रहे साथ साथ बुआई चल रही इस तरीके से काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये देखो हाँ भाई जवान हाँ भाई अरे सुन तो तू भी एक बुआ नार आ गया आज हाँ? गड्ढे बना रहा और देख अभी आ रहा गड्ढे है आज यू थारे एक बुरा गा। अच्छा और रोटी रोटी खा कुछ खा पिया था। और इनका अंजाम है और कभी जोन से बुआना रे एक बुआना रे थारे इनकी दावत का क्या अंजाम है यहाँ ले रखा कुछ दावत में क्या है भाई पकौड़ी और ठंडा है भाई तू तो मस्ती बांधेगा बिल्कुल अच्छा अविंदर सिंह ये ताऊ के लड़के खेत में बू रहा ठीक अच्छा और आप इन पर तो जो है ये तो बता दिया इसने तो फलाना खाद गेर दुआ ढिगड़ा गेर दुआ ये गेर दुआ। देखो जी अविंदर सिंह जो है इनकी दवाई की दुकान भी है इनको ज़्यादा जानकारी है आप ये बताओ जैसा गन्ने की बुआई चल रही है इसमें खाद और दवाई की बुआई पे कौन कौन सी गिरनी चाहिए कितनी मात्रा होनी चाहिए 10 किलो का बीघा तो DAP की डाल लो। अच्छा जी और जी 100 ग्राम का बीघा थायो। अच्छा थायो जड़ थायो क्यों हाँ थायो जड़ के कीड़े के लिए। अच्छा जी सल्फर फंगीसाइड है। अच्छा 1 किलो का भी सल्फर। अच्छा जी और जी 1.5 किलो का भी रिजेंट। अच्छा ये पढ़नी चाहिए हाँ इससे जो है दिमाग और जड़ का कीड़ा नहीं आता। अच्छा। और सल्फर फंगीसाइड है गलन सड़न नहीं आती। अच्छा अच्छा सही है दो ये पढ़ने चाहिए ये पढ़ना चाहिए DAP जो है उसके लिए है खुराक के लिए। अच्छा अच्छा
अच्छा, ये तीन तीन चार चीज डाल दो हाँ। तो ठीक रह जा। हाँ वैसे तो देखो सबकी अलग अलग मत है, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है हाँ। कुछ 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 किसानों से बात हुई, मैं डालते ही नहीं, नहीं बंद कर दें इसको हाँ। है, कांचे के पास ये चीज डालने से जो कीड़े की दिक्कत है वो कीड़ा नहीं आ पाता और गलन सड़न नहीं आ पाती सल्फर जी, जी कांचे के आसपास जी, तो मैं इनकी है। ठीक है ठीक, देखो जी लगभग वो गया, थोड़ा ही खोल रहे गए। देखो भाइयों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।